खबर आ रही है हमारे पास झालावाड़ से, जहां पर एक मकान की छत गिरने की खबर सामने आई है। झालावाड़ से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 से 12 महिलाओं और बच्चों के दबे होने की सूचना आ रही है। झालावाड़ के चौहान का पूरा गांव का ये पूरा मामला, जहां पर एक मकान की छत गिरने से 10 से 12 लोगों के दबे होने की खबर है। इसमें महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल हैं। भरभराकर मकान की दीवार गिर गई, जिसमें सभी लोग दब गए। वहां पर प्रसाद वितरण हो रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रूफ कोलैप्स का यह मामला, यानी देवनारायण मंदिर में प्रसादी का वितरण हो रहा था और उसी वक्त भरभराकर मकान की दीवार गिर पड़ी, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, जो दीवार में दब गए और उनकी उनको चोटें आई हैं, उनको घायल हुए हैं वो लोग, और तमाम घायलों को इस वक्त इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। झालावाड़ के चौहान का पूरा गांव का यह पूरा मामला, जहां देवनारायण मंदिर में किया जा रहा था प्रसादी का आयोजन, जिस दौरान भरभराकर मकान की दीवार गिर पड़ी और उसके बाद तमाम लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादा महिलाएं हैं और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। सभी का इलाज इस वक्त जिला अस्पताल में जारी है। झालावाड़ के चौहान का पूरा गांव का यह मामला, जहां देवनारायण मंदिर में प्रसादी का आयोजन हो रहा था, उसी दौरान मकान की दीवार गिरने से लोग दब गए, घायल हुए हैं लोग। देव महाराज के मंदिर पे यहाँ रसोई का प्रोग्राम चल रहा था, जो सभी खाना खा रहे थे बैठ के, और पानी की बरसात हल्की हल्की चल रही थी, और जो वो ढल्ली ने दीवार उनके नीचे सभी खाना खाते खाते ही दब गए। तो कितने जने घायल हुए इसमें? करीब से एक दर्जन करीब लोग निकाले, उसमें से यही था, मतलब 12-13 आदमी का, औरतें और बच्चे बच्चे। तो मनोर थाना में केवल ये 6 जने ही लेकर आए क्या, और भी जगह? और भी लेकर आए और अदर हॉस्पिटल में होगा। रियाज खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रियाज, क्या स्थिति है अभी घायलों की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुल 11 लोगों के नाम अभी तक आए हैं जो घायल हुए हैं, उनमें महिलाएं और बच्चे ही शामिल हैं। 10-11 वर्ष के बच्चे और महिलाएं उसमें शामिल हैं। 11 लोगों के नाम इस वक्त तक हमारे पास पहुंचे हैं। सभी का अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। कुछ को झालावाड़ के जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जबकि कुछ का इलाज मनोर थाना के चिकित्सालय में किया जा रहा है। यह झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र के रवासिया गांव के समीप एक चौहान का पूरा नामक एक गांव है, जहां पर भगवान देवनारायण का मंदिर है। वहां पर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान यह दीवार ढह गई। पहले माना जा रहा था कि इसमें और भी लोग दब हो सकते हैं, लेकिन अब पूरी स्थिति क्लियर हो चुकी है, कुल 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। जी बिल्कुल। और रियाज, तमाम घायलों को इलाज के लिए जरूर जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन क्या मकान की जो दीवार गिरी है, क्या वो पानी की वजह से, जो बीती बरसात में मकान की दीवारों में जो दरारें भी कई जगह पर आ गई हैं, वही उसका कारण माना जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कच्चा मकान था, कच्ची दीवार थी, और आज सुबह से ही बरसात का दौर चल रहा है इलाके में। जिले में, झालावाड़ जिले में सभी जगहों पर लगभग बारिश चल रही है हल्की फुल्की, तो ये कच्ची दीवार थी। गांव में इसी तरह के मकान बनाए जाते हैं उस इलाके में, और बारिश के चलते गिर गई। ठीक है रियाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।